बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3, पेज 115 एंड 116। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज 115। फर्स्ट राइट डिटेल पेज, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चंस 1 to 15, पेज नंबर 115 प्लस 116। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व 7.29 प्लस 4.63। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दो डेसिमल को हमने ऐड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एडिशन का है। हमने क्या करना है, दो डेसिमल को ऐड करेंगे। ये एक डेसिमल नंबर है, ये दूसरा डेसिमल नंबर है, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिशन है, किस तरह एडिशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3, पेज 115-116। आपने फर्स्ट लाइन में ये लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, फिर एक लाइन छोड़ के सॉल्यूशन लिखना है, और जो हमें क्वेश्चन मिला है वो हम लिखेंगे। हमें क्वेश्चन मिला है 7.29 एंड 4.63। ओके, यहाँ पे देखिए, हम पहले जो है यहाँ पे प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। सो आपने क्या करना है कि यहाँ पे वंस है तो वंस में 7 है, और फिर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट तो यहाँ पे पॉइंट है, फिर टेंथ है तो 2 है, हंड्रेड्स है 9 है। अच्छा, ये तो हमारे पास फर्स्ट डेसिमल हो गया। अब हमारे पास सेकंड डेसिमल है, तो सेकंड डेसिमल जो है डेसिमल नंबर है, तो आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपने क्या करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, और फिर इंटीग्रल पार्ट में जितने नंबर्स होंगे वो पॉइंट से पहले लगाएंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट्स में जितने नंबर्स होंगे, जितने डिजिट्स होंगे, वो हम पॉइंट के बाद लगाएंगे। आपने जो है क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, और फिर जो इंटीग्रल पार्ट है वो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड में होगा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो टेंथ हंड्रेड एंड थाउजेंड्स में होगा। ठीक है, सो पहले हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे 9 + 3। सो 9 + 3 क्या आएगा, 9 + 3 इज इक्वल टू 12। सो हम यहाँ पे 2 जो है वो हंड्रेड्स में लगाएंगे, और 1 जो है वो कैरी हो जाएगा टेंथ्स में। अब हमने क्या करना है, अब टेंथ्स कॉलम में हम आएंगे, और इसमें हमने 1 + 2 + 6, 1 + 2 = 3 + 6 इज इक्वल टू 9। फिर डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, और यहाँ पे वंस में जो है 7 + 4, 7, 8, 9, 10, 11। सो यहाँ पे हम लगाएंगे 11, 11 हो गया, और यहाँ पे जो है हमारे पास सिर्फ वंस है, तो हम यहाँ पे जो है 1 के लिए टेंस लिख लेंगे। ठीक है, सो ये 1 जो है ये वंस में आया है, और ये 1 जो है ये टेंस में आया है। पहले हम जो प्लस करेंगे वो हंड्रेड्स प्लस करेंगे, फिर टेंस, फिर वंस, एंड फिर जाएंगे 10 की तरफ। सो द आंसर इज 11.92। आंसर आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, द आंसर इज 11.92। दिस इज पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पहले आपने जो है वो फर्स्ट नंबर जो है डेसिमल है वो लिखना है, फिर सेकंड लिखना है, प्लेस वैल्यू आपने लिखनी है, हंड्रेड टेंस डेसिमल प्लेस वंस टेंस, ये सारे हमने लिखने हैं। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड जो है ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, टेंथ हंड्रेड एंड थाउजेंड जो है ये हमारे पास जो है फ्रैक्शनल पार्ट है।
सो दिस इज पार्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन. द आंसर इज 11.92. अब हम आएंगे पार्ट टू की तरफ. सो हियर इज पार्ट टू. पार्ट टू हमारे पास दो जो है टू, उसी तरह हमारे पास डेसिमल आए हैं 3.18 प्लस 2.09. सो पॉइंट की लेफ्ट साइड पे हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, पॉइंट के बाद जो है जो राइट साइड पे वो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है. सो हम पहले जो है थ्री पॉइंट के नीचे हमारे पास पॉइंट आएगा, एंड वंस में थ्री एंड टू, टेंस में है 1, 0, एंड हंड्रेड्स में है 8 एंड 9. सो पहले हम हंड्रेड्स कॉलम जो है उसको एड करेंगे, प्लस करेंगे. सो 8 प्लस 9 क्या आएगा, 8 प्लस 9 हमारे पास 17 आएगा. तो 7 हम हंड्रेड्स में लगाएंगे और जो 1 है तो वो हम लगाएंगे टेंथ्स में. ओके, अब हमने क्या करना है, टेंथ्स कॉलम हमने प्लस करना है. सो 1 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2. अब डेसिमल के नीचे हम डेसिमल करेंगे, एंड वंस हम प्लस करेंगे सो हमारे पास आएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. सो द आंसर इज 5.27. हम आंसर यहाँ पे रिपीट कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 5.27. दिस इज पार्ट टू. ऊपर वाला हमारे पास पार्ट वन है एंड ये हमारे पास पार्ट टू है. पार्ट टू का आंसर है 5.27. क्वेश्चन था 3.18 प्लस 2.09. सो द आंसर इज 5.27. ओके, दिस इज योर पार्ट थ्री और ये आपने खुद करना है. इसमें क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें सो पॉइंट 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 के नीचे पॉइंट आया है और यहाँ पे 9, 9, 3 है. आपने इस तरह नहीं करना कि ये 2 आप यहाँ पे लगाएं, 3 यहाँ पे लगाएं. पॉइंट के नीचे जब पॉइंट आएगा तो पॉइंट के बाद हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा, पॉइंट से पहले हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होगा. तो आपने पॉइंट का ख्याल मस्ट रखना है, क्योंकि पॉइंट पॉइंट के नीचे अगर आपने नहीं लगाया तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग होगा, गलत आएगा आपका आंसर. सो दिस इज़ योर होमवर्क, ये आप खुद करें पार्ट थ्री. अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ. क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड द सम ऑफ 87.82 एंड 12.18. फाइंड द सम, सम मीन एडिशन, के आंसर को हम सम कहते हैं. तो हमने एडिशन करनी है, दोनों को ऐड करेंगे दोनों नंबर्स को. हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, सम होगा इन दोनों का. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू. सो क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड द सम ऑफ 87.82 एंड 12.18. आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़ के सोल्यूशन लिखना है. फिर इसी तरह ये 87.82 फर्स्ट लिखना है एंड 12.12 इसके नीचे लिखना है. लेकिन डिजिट्स के नीचे डिजिट लिखोगे, पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लिखना है. उसी तरह आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है. दिस इज़ इंटीग्रल पार्ट. वंस में हमारे पास 7 एंड 2 आया है, टेंथ्स में 8 एंड 1 आया है. यहाँ पर टेंथ्स में 8 1 आया है, हंड्रेड्स में 2 एंड 8 आया है. हम पहले जो है कौन सा कॉलम प्लस करेंगे, हम पहले हंड्रेड्स प्लस करेंगे. सो हमारे पास 2 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 10. सो यहाँ पे 0, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या है, टेंस कॉलम हम प्लस करेंगे. सो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 8 प्लस 1. सो हमारे पास 1 प्लस 8 9 प्लस 1 10. इसको हम प्लस करेंगे. सो यहाँ पे डिसिमल और यहाँ पे हमारे पास 1 जो है वो वंस में आ जाएगा. अब यहाँ पे हमने वंस वाला ऐड करना है. 1 प्लस 7 8 प्लस 2 हमारे पास 10 आएगा. सो यहाँ पे 0 और 1 जो है 10 में कैरी हो जाएगा. अब हमने टेंस जो है टेंस कॉलम जो है वो हमने प्लस करना है. सो यहाँ पे 1 प्लस 8 9 प्लस 1 10 आएगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और यहाँ पे इसके साथ मैं लिखूँगी 1. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये 1 जो है इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास 100
100 आ जाएगी और एंड आंसर इज 100.00 और इसको सिर्फ 100 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सिर्फ 100 भी लिख सकती हूँ क्योंकि अगर नंबर यहाँ पर डेसिमल के बाद अगर 000 वगैरह आ जाए तो फिर हम सिर्फ जो है इंटीग्रल पार्ट लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है अगर हम अगर यहाँ पे 01 होता तो हम फिर पॉइंट भी लगाते और यहाँ पे दो डिजिट्स भी लगाते, लेकिन यहाँ पे 00 है और कोई नंबर नहीं है तो इट्स मीन हमारे पास ये जो है सिर्फ 100 है, 100.00 या फिर सिर्फ 100, तो हमारे पास आंसर जो है वो 100 आया है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर जो है हम सिर्फ 100 भी लिख सकते हैं बिकॉज पॉइंट और पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो ज़्यादा हो, ज़ीरो के अलावा कोई और डिजिट ज़ीरो हो कोई और डिजिट ना हो तो फिर क्या होगा, हम सिर्फ पॉइंट हटा के हम सिर्फ जो है इंटीग्रल पार्ट लिखेंगे। ओके, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन को नंबर जो है ये रॉन्ग दी है तो 2 के बाद हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आप करें और फिर इसको 4 करें और यहाँ पे आपने 5 करना है, ठीक है। और इसके बाद ये जो है बाकी 6, 7, 8 जो है वो आपने जो है ठीक करने हैं। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 8 40.37 28.29 ये भी एडिशन का है तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 8 40.37 28.29 उसी तरह हमने प्लेस वैल्यू लगानी है, डिसिमल के नीचे डिसिमल, इंटीग्रल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा, यहाँ पे वंस टेंस एंड यहाँ पे टेंस हंड्रेड्स है। पहले हम हंड्रेड्स कॉलम जो है वो ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। सो 9 + 7, 7 + 9 = 16। 6 हम लगाएंगे हंड्रेड्स में एंड 1 जो है टेंस में कैरी हो जाएगा। यहाँ पे अब टेंस कॉलम हम प्लस करेंगे, सो 1 + 3 = 4, 4 + 2 = 6। पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे। अब हम आएंगे वंस कॉलम में, सो 0 + 8 = 8 एंड 4 + 2 = 6। सो द आंसर इज 68.66। द आंसर इज 68.66। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। एडिशन हमने कर ली, सो एडिशन से हमारे पास आंसर आया 68.66। अब हम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 8, 5 and 87 hundredths with 2 and 5 hundredths। यहाँ पे देखिए 5 and 87 hundredths। हंड्रेड्स होता है, हंड्रेड से पहले जो है टेंथ होता है, तो यहाँ पे 87 है, तो 87 hundredths हमारे पास आया है। तो 87 जो है ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर हम इसको देखें हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स जो है वो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो 87 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है एंड 5 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है। तो हम इसको लिखेंगे 5.87 प्लस 2 and 5 hundredths। अब फ्रैक्शनल पार्ट में जो है हंड्रेड्स है लेकिन वहाँ पे सिर्फ 5 है, तो हंड्रेड्स में हमारे पास 5 आएगा एंड टेंथ में हमारे पास 0 आएगा बिकॉज वहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा एंड हमारे पास इंटीग्रल में 2 आएगा। अब हम ये किस तरह करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 8, 5 and 87 hundredths with 2 and 5 hundredths। जिस तरह मैंने बता दिया कि 5 हमारे पास जो है वो वंस में आएगा एंड 87 hundredths है, तो यहाँ पे अगर हम हंड्रेड्स कर ले तो हंड्रेड्स के हंड्रेड से पहले टेंस आएगा
और हमारे पास यहाँ पे है 87, सो हम यहाँ लिखेंगे 5.87 एंड नेक्स्ट है 2 and 500, सो 2.05। हंड्रेड्स में जो है वो 5 आएगा और टेंस में हम 0 लगाएंगे। अब हम इसको प्लस करेंगे, 7 plus 5 इज इक्वल टू 12। वन जो है वो टेंथ में कैरी हो जाएगा। यहाँ पे अब टेंथ वाला प्लस करेंगे, 1 plus 8 plus 0 इज इक्वल टू 9, डिसिमल के नीचे डिसिमल, एंड 5 plus 2 इज इक्वल टू 7। सो द आंसर इज 7.92 इज द आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये सारा हमने एडिशन का कर लिया, एडिशन ऑफ डेसिमल। होप आपको इसकी समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। ओके, अब अपना होमवर्क जो है वो नोट करें। जो आपका एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है वो नोट करें। ओके, राइट डाउन योर होमवर्क, डू एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 3 पेज 115 प्लस लर्न टेबल 8 plus 9। क्या आपने सारा जो है मैथ्स की कॉपी जो है आपकी रजिस्टर जो है जो रफ कॉपी आपकी मैथ की है उसमें कंप्लीट आपने करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नो स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।